हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक आपने तीन अंकों की संख्याओं को जोड़ना तथा घटाना सीखा। आज की वीडियो में हम तीन अंकों की संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, पहले समझते हैं कि गुणा किसे कहते हैं। किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जमा करना गुणा कहलाती है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या दी है 10, जिसे हमने गुणा करना है 4 से। बच्चों, 10 को 4 से गुणा करने का अर्थ है 10 में 10 को 4 बार जमा करना है। यानी कि इसे हम लिखेंगे 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, यानी 10 को 4 बार जमा कर दिया। इसे जमा करके हमारे पास आएगा 40। चलिए बच्चों, कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में आप गुणा करना सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो सबसे पहले पहली संख्या के सभी अंकों को दूसरी संख्या के इकाई के अंक के साथ गुणा करते हैं। उसके बाद पहली संख्या के सभी अंकों को दूसरी संख्या के दहाई के अंकों के साथ गुणा करते हैं और यह क्रम चलता रहता है। जब दूसरी संख्या के सभी अंकों से पहली संख्या को गुणा कर दिया जाता है, उसके बाद उनके गुणनफल को हम जोड़ते हैं या जमा करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास दिया है 310 गुना 4। पहली संख्या में 3 अंक है तथा दूसरी संख्या में केवल 1 अंक है, इसलिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 310 गुना 4। उसके बाद पहली संख्या के इकाई के अंक को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुना करेंगे। लेकिन बच्चों, यहां पर हमारे पास दूसरी संख्या में केवल इकाई का अंक है, इसलिए हम दूसरी संख्या के इकाई के अंक को पहली संख्या के सभी अंकों से गुना करेंगे। 4 गुना 0 0, 4 एकम 4, 4 तीन 12। तो 310 गुना 4 हमें प्राप्त होगा 1240। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास संख्या दी है 518 गुना 4। बच्चों, इसे भी हम उसी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 4 गुना 8, यानी कि दूसरी संख्या के इकाई के अंक को पहली संख्या के इकाई के अंक से। 8 गुना 4, 8 चौके 32। इकाई का अंक 2 है तथा दहाई का अंक 3 है, इसलिए हम नीचे लिखेंगे 2 तथा दूसरी संख्या के दूसरे अंक के ऊपर लिखेंगे 3। इसके बाद हम करेंगे 4 गुना 1, 4 एकम 4, और जो इसके ऊपर कैरी है या हासिल है उसको इसमें जोड़ेंगे, जो कि हो जाएगा 7। इसके बाद पहली संख्या के सैकड़े के अंक को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 5 गुना 4, 5 चौके 20। तो बच्चों, 518 को 4 से गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ 2072। चलिए बच्चों, अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या के साथ गुना करना है। हमारे पास संख्या दी है 353 गुना 25।
यहाँ पर ही बच्चों हम पहली संख्या को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुना करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5 × 3, 5 × 3 = 15, 5 और बच्चों 1 होगा कैरी या हासिल। उसके बाद पहली संख्या के दहाई को अंक को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुना करेंगे, 5 × 5 = 25 या 5 × 5 = 25, 1 हासिल भी है, 25 + 1 = 26। हम नीचे लिखेंगे 6 तथा ऊपर लिखेंगे 2। उसके बाद 5 × 3 = 15 + 2 = 17। बच्चों इस तरह से हमने पहली संख्या को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुना कर दिया। इसके बाद हम पहली संख्या को दूसरी संख्या के दहाई के अंक से गुना करेंगे तथा उसे पहले से प्राप्त गुणनफल के नीचे लिखेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर हम इकाई के स्थान पर शून्य लगा देंगे, जिसका अर्थ है कि अब हम दहाई के स्थान वाली गुना कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे 2 × 3, 6, 2 × 5, 10, हासिल 1 होगा, 2 × 3, 6 + 1 = 7। बच्चों हमने पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दिया है, लेकिन अब हम दो गुणनफल जो प्राप्त है उन्हें जोड़ेंगे। इन्हें जोड़कर हमें प्राप्त होगा 5 + 0 = 5, 6 + 6 = 12, 7 + 1 = 8 तथा 1 + 7 = 8। तो बच्चों 353 को 25 से गुणा करने पर हमें 8825 प्राप्त होगा। बच्चों इसी तरह के बहुत से उदाहरण ले तथा उन्हें गुणा करने का प्रयास करें।